भाई भाई आरबीआई ने कोटक बैंक पे कुछ बैन लगा दिया है। बैंक अब ऑनलाइन न्यू कस्टमर्स नहीं ले सकती और न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकती। अच्छा, तो जो पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं और कस्टमर्स हैं उन पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं। पर ये बैन किया क्यों? इनकी बैंकिंग सिस्टम फ्रीक्वेंटली फेलियर एक्सपीरियंस कर रही थी, जिससे कस्टमर्स को बैंकिंग ऑपरेशंस यूज करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और आरबीआई का ये भी कंसर्न है कि इनके आईटी सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण कस्टमर डेटा का सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। अच्छा, पर ये अचानक से क्यों किया? अचानक नहीं, आरबीआई 2 साल से बैंक को नोटिस दे रही थी, और जब आरबीआई को सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बोला पहले से रिजॉल्व करो फिर ऑपरेशन शुरू करो। पर ये बैन जब पुराने कस्टमर पे इंपैक्ट नहीं करेगा, फिर भी बैंक के स्टॉक्स कल 11% और आज 2% गिरा है, ऐसा क्यों? वक्त सही नहीं चल रहा है। हैं मतलब? Currently most of the banks एक बड़ी चैलेंज फेस कर रही है, which is low cost deposit। फिर शशि थरूर बनना बंद कर तू। देख, banks एक हाथ deposit लेती है और दूसरे हाथ loan देती है। Deposits पे कम interest देती है और loans पे ज़्यादा लेती है, जिससे इनका business चलता है। Correct। और banks हमेशा चाहेगी कि उनके पास ऐसे deposits हैं जिन पे उन्हें कम interest देना पड़े, जो हो जाएगा savings और current account deposit। और यही हो गया low cost deposit। अच्छा, अब कोटक बैंक ने लास्ट ईयर 72% अपने न्यू सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन करवाया था। मतलब ये बैंक तो इनके लो कॉस्ट डिपॉजिट को भी इंपैक्ट कर सकती है। और इसी चक्कर में बैंक्स पिछले 4 साल में बस 340 नए ऑफलाइन ब्रांचेस ऐड किए हैं, वहीं एचडीएफसी 1 साल में 900। इसीलिए इतना गिरा है, मुझे लगा बस ये करेक्शन है। अब बस स्टॉक रिकमेंडेशन वाले रील देखेगा तो यही समझेगा।